आखिर ऐसी भी क्या नफरत के इंसान इतनी बेरहम हत्या पर आमादा हो जाए? क्यों इस कातिल ने इतनी दिल दहला देने वाली हत्या को अंजाम दिया? और कौन था वो शख्स जिसे इतनी दर्दनाक मौत हासिल हुई? बेहद उलझे हुए रिश्तों और लालच की ये दास्तान कैसे इस अंजाम तक पहुंची, आइए देखते हैं। ओए मुंडू चलो, है ऑर्डर लेना है, आप जाओ उधर जाके ऑर्डर ले लो। आप उधर जाओ। सत श्री अकाल मैडम जी, ऑर्डर दसो। तंदूरी चिकन, दाल मखनी, रोटी, सैलड और पीने के लिए कुछ चाहिए था? जा, चलिए। साहब क्या बोल रहे हो? मैडम जी, ऑर्डर। ओए थापा। हाँ मैम। जल्दी जल्दी हाथ चला, टेबल नंबर 3 पर चिकन का ऑर्डर है। जी मैडम। और ग्राहकी कैसे चल रही है? हाउसफुल होने को है मैडम जी। वैसे फुल के साथ हाफ फ्री और हाफ के साथ क्वार्टर फ्री वाली स्कीम काम कर गई। क्यों मैं थापा? हाँ भाई, ये तो शशि भैया का दिमाग है। बस अब तो एक ही अरमान है कि लवली सिंह के ढाबे की चिकन पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। अब चिंता मत करो, मशहूर होगी एक दिन। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अरे भैया, लवली सिंह का असली ढाबा कौन सा जी? लवली सिंह का ओरिजिनल ढाबा यही हैगा जी, वो फर्जी है। आप ना बैठो, ऑर्डर दसो जी। ठीक है। हाँ ये संभाल लेना भाई जी, ठीक है? सारा सामान सामान इकट्ठा करके रखो तुम। हाँ जी बाबू जी दसो। आओ जी आओ, ये है लवली सिंह का असली ढाबा जी। अरे फ्रेबियों से बच के रहे और असली स्वाद यहाँ आकर खाए। आओ जी आओ, एक के साथ एक फ्री है जी और हाफ के साथ हाफ फ्री। आओ जी आओ आओ आओ। हाँ जी सर, साढ़े आठ कैंसर कर दे जी। चलो भी चलो उधर खाना खाते हैं। अरे अंकल जी बहुत चलिए जी, आप तो ऑर्डर दसो जी। अरे भैया हम भी वहीं जा रहे हैं। अरे आंटी जी आपने तो ऑर्डर दिया, आप कहाँ जा रहे हो? आओ जी आओ आओ आओ। बैठो जी, बैठो जी। हाँ जी दसो ऑर्डर। बैठो बैठो, हाफ हाफ। बढ़िया बढ़िया जी, आओ जी आओ आओ जी। बैठो 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 बैठो। अरे भैया वहाँ तो एक के साथ एक चिकन फ्री मिल रहा है जी। हमारे चिकन उनकी चिकन में ना जी बहुत स्वाद है जी। आप बस बोलो जी। अरे भैया क्यों बेवकूफ बना रहे हो, चिकन तो चिकन होता है, हम वही खा लेंगे। चलो जी चलो चलो। क्या ड्रामा है तेरा? एक पे एक फ्री। राजी तू के तू मैं फ्री में खिला दूं है? मैनू बड़ा काम है। हाँ जी दसो तुसी। एक चिकन हाफ। हाँ जी तुसी फुल कर दो जी, फुल के साथ फुल फ्री है जी। ठीक है जी। मैडम जी, मैडम जी सब ग्राहक चले गए। क्यों? मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ चलिए, जल्दी आइए। आ देखो जी ग्राहक ही ग्राहक, पूरा ढाबा फुल पड़ा उनका और हमारा यहाँ तो बिल्कुल खाली है जी। क्यों होया? नया टंडा शुरू करा इन्होंने, एक प्लेट चिकन पर एक प्लेट फ्री दे रहे। हाँ जी ये लो जी, और खा लो जी। हाँ जी और कुछ चाहिए था? हाँ? रोटी लगे। हाँ जी मिल गई है। और कुछ? हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देख एक ग्राहक नहीं आएगा। कल
कल भी हमारे सारे ग्राहक ले गए और आज भी कोई ग्राहक नहीं हमारे पास। इससे बढ़िया तो आप किचन बंद ही कर दो। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहे जी, दुकान खा गए हमारी बहन। लवली सिंह जी का असली ढाबा है जी। सत्यकाल जी, आइए जी, आइए जी। लवली सिंह का असली ढाबा है जी। सत्यकाल जी, आइए। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जी आइए, आइए, आइए जी, आइए जी। और शशि, शशि किधर आ? जल्दी आ तू, जल्दी आ। वो देख, पहले से इन लोगों ने हमारा रात का डंडा चौपट कर रखा। रीमा, तू क्या कर रही है? ठीक नहीं कर रही है तू। अच्छा जी, तो तुसी ठीक कर लो फिर। देख मैं तुझे कह रहा हूँ। ये है अंकल जी, पहली बात तो लवली सिंह का ओरिजिनल ढाबा हमारा है। ऊपर से आप सस्ते में माल बेच के ना हमारे ग्राहक मत छीनो। और छीन रहे क्या? कर लो डंडा। अपनी बेटी बनाई फिरता है, ऊपर से अपनी टांगे दिखा दिखा के ग्राहक बुलाती है। बकवास बंद करो। अभी दिखाती मैं क्या कर सकती। ए शशि, ओए थप्पड़ जरा फोड़ उतार। पानी पी ले। मुझे नहीं पीना। तू देख, मैंने सब खत्म कर देना है। कीड़े पड़े उसे कीड़े। तू क्यों अपना ब्लड प्रेशर बिगाड़ रही है? हाँ, बचपन से लेकर आज तक ये की चीज सुनते आ रहा हूँ, लवली सिंह ओरिजिनल, लवली सिंह ओरिजिनल। अरे क्या है, क्यों नहीं ओरिजिनल? अरे हम हैं। लवली सिंह तेरा दादा था, उसे रखेल पाल रखी थी जिसे मंदिर पैदा हुआ, और पता नहीं कहाँ से लड़की को उठा लाया, उसे बेटी बनाया घूम रहा है। हमारे धंधे पर तो पानी फेर दिया उसने। ढाबे की मालकिन बनी फिरती है वो। पानी पी। नहीं पीना मुझे। तू छड़ता सही। ओए मेरे बाप का नाम था अरुण सिंह, उसने एक रखेल रखी हुई थी, उसी से पैदा हुआ था ये निर्मला का पति। ओए हमने तो बाऊजी को बहुत समझाया कि 2-4 लाख दे के रफा दफा करो, उस जमाने में 2-4 लाख बहुत हुआ करते थे। लेकिन नहीं, डाल के पोड़ा कर दिए दुकान के दो हिस्से। लेकिन सुन ले मेरी बात, मैं भी अपना ब्रांड छोड़ने वाला नहीं हूँ, सालों की ऐसी तैसी कर दूंगा। ठंड पाओ, शांत हो जाओ। तुसी बाऊजी, मैं है ना, मैं आपको ही सारा हिसाब किताब लगा लेना है। छड़ी यार। बाऊजी, विरासत को हड़पने की लड़ाई इंसान को आगे नहीं बढ़ाती है, उसे डुबो देती है। जाहिर सी बात है, लवली सिंह ने अपनी मेहनत से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई होगी। उनके रेस्टोरेंट के खाने का स्वाद उनकी लगन से मशहूर हुआ होगा। ऐसे में बेहतर तो यह होता कि लवली सिंह के नाम को हथियाने के लिए आपस में दुश्मनी मोल लेने के बजाय ये लोग उनके हुनर को अपनाते। मगर अफसोस, ऐसा हुआ नहीं। दीदी, ओए थापे, तू यहाँ क्या कर रहा है? आपसे बात करना था। हाँ बोल। आपका ढाबा बहुत चलता है, मुझे भी रख लो जी अपने पास, यहाँ तो टाइम से पगार भी नहीं मिलता है। चल सोचूंगी। और पाजी चीज से धार कर, ऐसी धार करके एक ही बार में 2 टुकड़े हो जाए। ओए ड्रामे, चल अपने ड्रामे बंद करो, चल जल्दी। अरे ठहर जा, ठीक से चक्कू पर धार तो लगने दे। लाओ पाजी बड़ो।
आपने बकरे काटने हैं, बंदे काटने? हायो रब्बा, रब ना करे कभी कोई बंदा काटने पड़ जाए। हाँ हेलो जी, बाजी इस चाकू की धार को ना और तेज कर दो, क्या पता बंदे ही काटने पड़ जाए। सरेआम धमकी दे रही है क्या? जी धमकी नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। लवली ढाबा ना हमारा ब्रांड है, कुछ ले दे के छोड़ दो जी। ओए चल चल नकली, कोई तेरा नहीं है वो। ओए सुन, अपनी माँ को समझा ले कि कॉम्प्रोमाइज कर ले और कुछ ले के निकल ले। ये बोलना नहीं मैंने समझाया नहीं था। माँ को समझाने की जरूरत नहीं है, माँ कुछ समझी समझाई है। बस जी पता है जी, किसने समझा दिया? मालूम है कि तू नकली है, चल चल नकली। लवली ढाबा हमारा है, हमारा है। करो खेती करो, सुम पागल ने। शशि कहाँ चला गया ये लड़का? मैंने तुझसे क्या कहा था कि एक फुल पर एक हाफ फ्री, और तूने क्या ड्रामा खड़ा किया, एक फुल पर एक फुल। शशि शशि, मुझे फुल खाना पसंद है, ये हाफ शब्द ना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं भी यही चाहता हूं कि जो हमेशा की हमारी लड़ाई है ये खत्म हो जाए। अरे उनके स्यापे की वजह से हम क्यों करें ये सब, समझाना अपने बाप को। अच्छा समझा दूंगी। वैसे तेरी माँ ने क्या सोचा? और क्या, गुस्से में थी। तो तूने माँ को समझाया नहीं क्या? अरे समझाया ना यार,
थापा, ओए थापा, थापा, ओए थापा। हाँ मैडम। ये बाहर का दरवाजा क्यों खुला है? मैं तो सो रहा था मैडम। और शशि भी घर में नहीं है? तो सिर्फ अब देखता ही रहेगा क्या? शशि क्या कर रहा है तू? मटन काट रहा हूँ इस वक्त। हैप्पी आवर की तैयारी कर रहा हूँ। एक प्लेट पे एक प्लेट फ्री देना है, कल बहुत सारा काम है, इसलिए थापा और मुंडू को भी नहीं बताया मैंने, सोने दिया। अब्बा सर बाकी का काम थापा और मुंडू कर लेंगे, तू चल मेरे साथ। कल कस्टमर लोग को ना सबसे पहले यही मटन देना है, स्वाद ना जबान पर चढ़ जाना है माँ। लवली सिंह जी का सब चलो। इतना सारा खून? कुछ नहीं हुआ। शशि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? ये हैप्पी आवर्स वाली बात मेरी समझ में तो नहीं आई। सिंपल है माँ, उनका और हमारा झगड़ा रात को लेकर है, तो हम उनके ग्राहक दिन में तोड़ेंगे। वो चिकन बना रहे हैं, हम उन्हें मटन खिलाएंगे, स्पेशल वाला। तो तुझे क्या लगता है ऐसा करने से ग्राहक आएंगे? तू सो जा माँ, वो ना कुछ नहीं कर पाएगी। एक बार जब कल लोग आएंगे और हमारा मटन खाएंगे ना, तो स्वाद हमेशा के लिए उनके जबान पे ना चढ़ जाना है। अरे पुत्र ऐसा क्या कर दिया है तूने? कल बस तमाशा फेंक। लवली सिंह अपने जाने के बाद जिस तरह का उलझा हुआ रिश्ता इन दो परिवारों के लिए छोड़ गए थे, उस रिश्ते की नफरत दुश्मनी का बीज बन गई। आखिर लवली सिंह के नाम को हथियाने की ये लड़ाई थी क्यों? इसीलिए ना कि ये लोग एक दूसरे से ज्यादा पैसा कमा सके। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या शशि और रीमा की नजदीकियां इस नफरत को मिटा पाएंगी, या फिर उनका रिश्ता लालच के भंवर की भेंट चढ़ जाएगा। ओ आओ जी आओ, लवली सिंह के ओरिजिनल ढाबे पर आओ और स्वाद वाला खाना खाओ। सर जी आओ जी। सर जी मजा आ गया, बड़े स्वाद के साथ खा रहे हैं लोग। ऐसा क्या डाला अपने मटन में? सीक्रेट है। देखा वा? आज हाउसफुल चल रहा है तेरा ढाबा, लोग कितने स्वाद से खाना खा रहे हैं। हाँ देख रही हूँ, अरे लेकिन रेसिपी तो बता दे, मसाला क्या डलवाया तूने? जैसे कि वो रीमा चुप रहेगी ना, कुछ नहीं करेगी। हाँ जैसे तू बड़ा सगा हो रखा है उसका। अरे माँ अब वो कुछ नहीं कर सकती। काम कर तू। अब पतंदरा का ढाबा कुछ ज्यादा ही चलने लग गया।
ये रीमा कहाँ चली गई? पता नहीं भाजी। हेलो। हाँ दीदी, ये एक मिनट, मैं मंदीप बाबूजी से बात कर रहा हूँ। हाँ करा गल। बाबूजी बाबूजी, रीमा दीदी का फोन लग गया। हाँ रीमा। हाँ बाबूजी। कहाँ है तू? अरे सुबह से उन लोगों के ढाबे पे मेला लगा हुआ है। बाबूजी मुझे ना बहुत अच्छी खबर पता चली है। अरे तू खबर छोड़, जल्दी से वापस आ, पट्टा बैठा के रख देंगे वो हमारा। वो पता नहीं मटन में लोगों को क्या मिला के खिला रहे हैं, लोगों वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। बाबूजी मैं अभी आ रही हूँ। सर जी, कस्टमर कह रहे थे बड़ा स्वाद है खाना, अब तो बता दो ऐसा क्या डाला आपने मटन में? माँ का प्यार। झूठ बोल रहे जी आप। ये लो पार्सल। ओए ड्रामे, जल्दी फट पार्सल लेके, बहुत सारे होम डिलीवरी हैं। ठीक है। ओए ड्रामे, बिल लेते जा, चल 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 चल। ठीक है जी। चम्मच किसने रखा? पापा। जी मैडम। कहाँ चला जाता है? बस इधर ही था। कि चम्मच कोई किचन में आया था क्या? नहीं मैम। ठीक है, चल मुंडू को बुला जल्दी से ऑर्डर लेने के लिए। जी। बाजी रीमा दीदी आ गई। रीमा बहुत हो गया, सत्यानाश कर दिया उन्होंने हमारे बिजनेस का, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं है, अब हम चुप नहीं रह सकते। तुसी टेंशन ना लो बाबूजी, मैं तुझे कुछ सोचने दो। मुन्ना अकाउंट विच रख। कोई गल नहीं आएगी पाजी। ओए तुसी लोग कण चूहे दिया पूछा खोलने। ओए छी ना पाजी, क्या चल रहा है यहां पर? अच्छा किसी ने तुम्हारा मटन ना इतना स्वाद है। देख धोखेबाज मैं नहीं, धोखेबाज तो तू है। मैं ना म्युनिसिपल ऑफिस गई थी और वहां से मुझे पता चल गया कि मेरे बाबूजी ना लवली सिंह जी के असली बेटे हैं और तेरे बाबूजी ना एक रखेल के है। ओए कमीनी कुतिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रखेल उसके बाबूजी नहीं थे, रखेल की औलाद तो ये है। चुप कर जा, मेरे बाबूजी ने तेरा पति था, रखेल की औलाद। क्या मुझे छोड़ी की थी? सच्चाई तो आगे सामने। कौन सी सच्चाई? यही सच्चाई सारी दुनिया जानती।
दादी का सच क्या है? संदीप रखेल की औलाद है। अब ना मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। मेरे बाबूजी असली भी थे उनके। किसने हाथ उठाया चल जी मुझ पर? चल जी सारे सामान दिखाया हुआ है। ये औरत ना सारा सब इसकी बात पर सुनो। ये बात झूठ बोलती मुझ पर हाथ नहीं। चल जी सारा सामान झूठ बोलती है और झूठी है। इसमें क्या ये हो जाए? चुप रहो वरना सबको अंतर कर दूंगा। चुप करो। ये देखिए जी पेपर। जी ये पेपर ना मैं म्यूनसिपालिटी से ना निकाल के लेकर आई हूँ और इससे साफ साफ पता चलता है ना कि मेरे बाबूजी ना लवली सिंह जी के ना असली बेटे हैं। और उसके बाद ना उन्होंने एक सुलोचना नाम की औरत रखी थी जिससे ना इस औरत का ना पति पैदा हुआ। अब आप ही बताइए कहाँ से ये ओरिजिनल लोग हैं? इंस्पेक्टर साहब ये कमीनी झूठ बोल रही है। और कमीने तो तुम लोग हो जो लोगों को चूहे का मटन खिलाते हो। अपनी माँ को चुप करो भाई। जी अच्छा ये बताओ आपके होटल में खाना कौन बनाता है? जी मैं। तू? ओ तू मटन में चूहे डाल के खिलाता है? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो नौकर आदमी हूँ। मैडम मटन काट के देती थी। मैं बनाता था। तो सील करो इनका होटल। सर जी आप ऐसे नहीं कर सकते सर। इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीन कीजिए रब दी सौ हम झूठ नहीं बोलिए। दोनों मिल गया तो चुप। जब तक फूड डिपार्टमेंट चेकिंग नहीं कर लेता ना आपका होटल बंद रहेगा। चलो निकलो यहाँ से। जी इंस्पेक्टर साहब मैं कहता हूँ बाहर निकलो यहाँ से। चलो मुन्ना। हाँ बाजी। निद्रा। हाँ जी तुसी की लोगे? हाँ जी तुसी की लोगे? जी सलाद भी ना? क्या है? क्यों बुलाया है? ओए, ये चल क्या रहा है? अपना तो डिसाइड हुआ था ना? देख, माँ बड़ी गुस्से में थी, मैं और कुछ नहीं कर सकता था, समझी ना? बस कर, तेरी माँ का तो ना हमेशा ही पारा चढ़ा रहता है। माँ के खिलाफ ना कुछ मत बोलियो तू, समझ रही है ना? हद दुख। तूने बड़ी सास है तेरी। चल, दफा हो जा। देख शशि, जब तक ये लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती ना हमारी शादी नहीं होने वाली। अब जल्दी से लड़ाइयाँ खत्म कर दे, मैं ना तेरे बिना रह नहीं सकती हूँ अब। अरे अरे जा जा, शक्ल देखी तूने अपनी? दफा हो जा तू यहाँ से। है? ओए चल चल निकल, पीछे जा। क्या बातें करते रहती है? देखी तू अपनी? लड़ाई कर रही है। लड़ा के तू मां भी लड़ा के पेपर दबा रहा है ना? हमारा पोस्टर भी नहीं मिलना तुझे। चल मैडम आपको बुला रही है। चलो शर्मा जी सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लिया ना आपने? हाँ सब ठीक है। कई बार हमें ऐसी कंप्लेंट मिलती है, कई बार किसी की शरारत भी होती है। यू सी बिजनेस राइवलरी। थैंक यू सर जी।
देख। सब बर्बाद करके रख दिया। बता देती हूं मैं, किसी को भी मत छोड़ियो। पापा मसाला चिकन बनाए फटाफट, ठीक है? मेरे ज्यादा रखना थोड़ी जी, ठीक है? अभी पीजिए। पापा आज रात में जरा आके मिलना मुझे। अभी? हाँ रात में, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, आ जाऊंगा। ठीक है। कत्ल करने का इरादा है क्या? हाँ। अच्छा जी, अच्छा सुन, जैसे हमने डिसाइड किया था ना, मैं म्युनिसिपल ऑफिस गई थी और मैंने सारा पता कर लिया है। बड़ी जल्दी है तुझे कत्ल करने की। जितना भी काम किया है ना आज तक, उसकी तनख्वाह है और बोनस भी, ये सारे पैसे लेकर गांव जा, तेरी बहन की शादी कर, होटल खोल, मैं तेरी मदद करूंगी। लेकिन जाने से पहले एक बात मुझे सच सच बता देना कि मटन में चूहे की पूंछ आई कहां से। देख सुशी, मैं भी चाहती हूँ ना कि हमारी सारी लड़ाई खत्म हो जाए और हमारी ना शादी हो जाए। फिर अच्छा तो तू अभी तक गुस्सा है? जानती हूँ मैं, वो चूहे की पूंछ वाली बात से गुस्सा है ना तू। देख शशि, देख तू घबरा मत, ये पैसे मैं वापस नहीं लूंगी, ये सारे पैसे तेरे हैं। बस एक बात मुझे सच सच बता देना कि मटन में चूहे की पूंछ किसने डाली। मुझे माफ कर दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, मैं लालच में आ गया था, वो पूंछ मैंने डाली थी। रीमा के कहने पर था? नहीं, मैंने खुद डाली थी। मुझे
मनदीप सर का वहाँ अच्छी और ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी मिली थी। रीमा दीदी को जब ये पता चला तो उन्होंने आज ही मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि शशि भैया और रीमा दीदी छुप छुप कर मिलते हैं। रीमा दीदी शशि भैया को बहुत प्यार करते हैं। सुन शशि, जब तक नहीं लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो जाती ना, हमारी शादी नहीं होने वाली। अब जल्दी से लड़ाइयाँ खत्म कर दे, मैं ना तेरे बिना रह नहीं सकती हूँ। आप लोगों के इस दुश्मनी के वजह से वो आपको नहीं बताते हैं। बता देती हूँ मैं, किसी को भी मत छोड़ियो। खत्म कर दिया मैंने मां, इस कर्मचारी को खत्म कर दिया मैंने। चूहे की पूंछ डाली थी ना इसने खाने में। कल इसका मर्डर किया है लोगों को। चूहे की पूंछ इसने मिलाई थी। ये तुझसे वाकई में प्यार करती थी। अरे ये तो चाहती थी कि हम लोगों की दुश्मनी मिट जाए। ये क्या करना चाहिए बात होने मिट जाए। बहुत प्यार करता था मैं इससे। क्या तूने अपने लवली सिंह के ढाबा के लिए मुझसे कत्ल करवा दिया? अरे क्या करवा दिया मुझसे? चेती चेती पुलिस तो बुला, पुलिस तो बुला चेती। भाई क्या करवा दिया तेरा मुझसे? आछे दिन पाछे गए हरी से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। संत कबीर का ये दोहा इस बात का साक्षी है कि गलत रास्ते पर अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलता। शशि का अफसोस अब रीमा की जिंदगी तो वापस नहीं ला सकता, और ना ही उसका पछतावा इस बात को झुठला सकता है कि उसने बेहद निर्शंस हत्या की जिसकी सजा वो जेल में भुगत रहा है। प्यार और नफरत कभी एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए यह साफ हो जाना बेहद जरूरी है कि हम रिश्ते में किस एहसास को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। शशि की नफरत उसके प्यार पर भारी पड़ गई, क्योंकि रिश्ते की बुनियाद में लालच था। किसी को भी छोटा बनाकर हम बड़े नहीं हो सकते। यह देखना जरूरी है कि आगे बढ़ने के लिए हम खुद कितनी मेहनत कर रहे हैं। दूसरे का हक छीनकर अपने लिए खुशियां बटोरने का मतलब है अपराध को बुलावा देना। आज दो परिवार तबाह हैं तो इसके पीछे सिर्फ हक लूटने की कोशिश थी, और लालच ने इस कोशिश को अपराध तक पहुंचा दिया। इसलिए जरूरी है कि हम वक्त रहते सही फैसला लें, और गलत फहमी का शिकार होने के बजाय गलत के खिलाफ खड़े हों। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।